हाय फ्रेंड्स, सो टुडे माय प्रॉब्लम इज़ पावर सॉकेट एंड पावर स्विच। जब मैं इसको गीज़र या वॉशिंग मशीन कुछ भी लगा रहा हूँ तो ये इससे स्मेल आ रहा है और प्लग भी गर्म हो जा रहा है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। व्हाई आई एम डूइंग इट माय ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ, आई डो सक्सेस मिलेगा कि नहीं, जस्ट बिकॉज किसी इलेक्ट्रिशियन के पास कभी टाइम नहीं हो रहा है। जब बोलो तो वो बोल रहे कल आएंगे, परसों आएंगे, और मुझे अभी करना है, इसी वक्त करना है। एंड जो अभी आना आएंगे तो वो बहुत एक्सॉर्बिटेंट प्राइस मांग रहे हैं, विच इज़ प्लस 300 bucks। सो नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं ट्राई करके देखता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं आपको ही बुला लूँगा। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड एंड लेट अस ट्राई टू सी कि क्या होता है। आप देख सकते हैं कि पुराना हो चुका है, कैरी ऑन का है एंड बहुत ही गंदा सा भी लग रहा है यार। आई एम सॉरी फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट ऑन इट। सो मैंने ऑलरेडी खोल लिया है इसको, और खोलने के बाद ये चार स्क्रू पॉइंट्स थे यहाँ पे, ये जगह, एंड इनको खोल लिया। एंड देन इसके साथ ही साथ, बिकॉज हमको स्विच चेंज करना है तो सॉकेट के भी चार लगे अलग से हैं, हर सॉकेट में चार हैं, तो एक मेन बॉक्स को खोलना है और देन इसको, बिकॉज मेन बॉक्स को कई लोग बगैर बॉक्स खोले भी कर लेते हैं। सो अब हम इसको चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये, पहले इसका पोजीशन चेक कर लीजिएगा, पहले ही ना मोबाइल में लेके अपना पोजीशन चेक कर लीजिएगा कि हाँ क्या है, किस तरीके से है। अगेन यार, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर पीपल हु नो एंड हु नो बेटर वेज। तो प्लीज़ अगर आपको बेटर वे पता है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और जो मुझे पता है मैं वही शेयर कर सकता हूँ। दिस फॉर दोज हु डोंट नो एंड मे बी ऑन द बॉर्डर लाइन कि हाँ क्या करें और यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, उनको इमीडिएटली चाहिए, रात को हो गया, कभी भी हो गया, सो दे कैन डू इट, ऑड आवर्स में हो गया, सो दे कैन डू इट देमसेल्फ्स। इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं होता, सिर्फ पावर का लाइन तो चेंज करना होता है। सो एज यू कैन सी, ऊपर वाले पे वाइट है और नीचे वाले पे रेड लगा हुआ है। रेड इंडिकेट्स इट्स अ पावर लाइन। ये हमारा टेस्टर है एंड यू कैन सी टेस्टर चल रहा है, ठीक है ना, दैट मींस इट इज अ फेस। सो टेस्टर है, 5-10 रुपए में आ जाता है। और ये है, अब देखिए लाल तो यहाँ पे चला गया और ये वाइट से कनेक्शन दे रहा है, नीचे वाले इसको कनेक्शन दे रहा है, और ये दूसरा कनेक्शन इस पे आ रहा है, इस पे। ओके, तो ये जो वाइट पीछे से आ रहा है वो यहाँ पे लगेगा, इसका कनेक्शन उसके साथ लगेगा और ग्रीन वाला ऊपर लगेगा। ओके, ठीक है। सो लेट अस चेंज इट नाउ। ओके, सो सबसे डिफिकल्ट वाला पोर्शन होता है कि इसमें तो यहाँ पे इसको लगा के एंड इस पे उंगली लगा देना होता है, एंड देन धीरे धीरे घुमाते रहो। बहुत टाइट होता है, as you can see, और ये घूमता रहता है। सो इफ देयर इज एनी वे टू होल्ड इट, इसीलिए हो जा रहा है, आ रहे फोकस में। जरा से हिल जाए उसके बाद तो फिर आप इसको ऊपर की तरफ धक्का मार के खींचेंगे तो वो निकल आएगा। साइड में रख दीजिए, ये वाला खतरा है, करंट लग सकता है। और भी इंश्योर कि आपने चप्पल या कुछ वो पहन के रखा हुआ है। वीडियो को रोकना पड़ेगा। सो यू कैन सी ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है। मैं प्लायर लाने के लिए, मैंने वीडियो को रोका था, मैं प्लायर लाने चला गया था और इट्स रियली गिविंग प्रॉब्लम। क्रॉस थ्रेड हो रखा है, जरा से ऊपर आ गया, जरा से ऊपर आने से हमारा काम हो जाता है।
फिर आप इजीली इसको अपनी उंगली से ही घुमा घुमा के निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ा समस्या वाला, जो कि मुझे लगता है कि पुराना प्रॉब्लम वाला पार्ट है। एक बार ये पार्ट ख़त्म तो यू कैन सी दिस थिंग कैन नाउ कम ऑफ। ओनली थिंग इज नाउ इट इज अटैच्ड विथ दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो हमें क्या करना है कि इसको खोलना है। देख लीजिए कोई, हाँ इसमें भी पावर आ रहा है, स्विच ऑफ है फिर भी पावर आ रहा है। So we open this. Now you can see, no, there is no power. That means ये खराब हो गया था, ये शॉर्ट कर रहा था, इसकी वजह से झमेला हो रहा था, पावर नहीं है। और इसमें अभी भी पावर है। This is the switch off position. You can see this is the switch off position, and still power इसमें आ रहा था। That was a problem. नहीं आना चाहिए, जो लीकेज करंट बोलते हैं इसको। So okay, और हमने साथ ही साथ इसको भी खोल देना है। इंश्योर की करना कि दोनों अलग अलग रहे हैं। ओके थैंक यू, बहुत दिनों तक काम किया तुमने। सो So I'm using this anchor switch. मेरे को ये 60 में मिला है, इट्स ISI marked and ISO. So ISI is important because वो product show करते हैं, and ISO is only the process को show करता है कि हाँ इस process से, जो process से बनाया गया वो process अच्छा था process. Now इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा positive कौन सा negative? Anchor नीचे है, so ऐसे ही जाएगा ये, ये पॉजिटिव ये होएगा और ये रहेगा ये। आई डोंट नो ये कितना अच्छा होगा, इज इट सेरामिक और नॉट और प्लास्टिक। सो व्हाट वी आर गोना डू, फर्स्ट हम इसको फिक्स कर लेंगे। इट इज गोइंग ऑफ। तो इस तरीके से वो देते हैं। इसको रख लीजिए अपने पॉकेट में। ओके, वैसे तो इसको टेप से आपको ढक देना चाहिए उसी वक्त, पर फिलहाल हमारे पास टेप यहाँ पे नीचे है। सो विदाउट उसके कर रहे हैं। मुझे खुद कोई डाउट होने लग गया कि ये यार बड़ा कंबसम वर्क है, इसलिए मुझे पसंद है कि इलेक्ट्रिशियन यहाँ की कर जाए, बट देन उनके भी नखरे बड़े हैं। व्हाट कैन वी डू। Second one.
I hope we have time. तो देख के लग रहा था कि नहीं ऑफ जाएगा, लेकिन उतना भी ऑफ प्रॉब्लमेटिक हुआ नहीं। और तो हम पहले क्या करेंगे, मिनी को पहले ना टाइट कर लेंगे। और इस बात का है कि पावर वाला कनेक्टर इसको बाहर कर लो, एंड देन फील आ जाएगा जैसे ही वो टाइट होने लग जाएगा ना, आप इधर से एक तरफ से इसको पकड़ लेंगे एंड दूसरी तरफ से इसको प्रेस करते चले जाएंगे। आखिरी वाला सिंगल ऊपर इधर से उंगली लगा ली एंड इसको टाइट करते चले जाएंगे। फील कि हाँ वो टाइट हो रहा है। Once done with that part, now ये जो दो सॉकेट इनको है लूज करने हैं ताकि हमारे ये चीज खुसे, और इसमें पावर नहीं है। आप देख रहे हैं कोई लीकेज करंट अभी तक है नहीं। हम क्या करेंगे, पहले हम ये लगा के देखते हैं पावर वाला। सी ये दोनों होल्स आ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप पूरा क्लीन हो चुका है, एंड देन वो इट्स रेडी टू गेट इनसाइड। सो हम इसको घुसा देंगे एंड इंश्योर करेंगे कि पूरी तरीके से घुस जाए। एंड देन इसको टाइट कर दिया एंड यू कैन सी नाउ देयर इज नो लीकेज करंट, सो दैट मींस इट इज ओके। इसको भी टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया। हम स्विच इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे, ऊपर से जरा से ज़्यादा ही ऊपर दिख रहा है। नाउ नो लिक्विड करंट, स्विच ऑन करेंगे एंड देयर इज पावर, सो दैट इज ओके। नाउ वी हैव टू चेंज दिस थिंग बिकॉज देख रहे हैं आप, ये देखिए काला दिख रहा है, सो ये शो कर रहा है कि ये जल रहा है। सो भी हमको इसको भी चेंज करना है, सेम वही प्रोसेस। पहले इसको खोलेंगे और उसके बाद जो ये कनेक्शन हम लोगों ने ध्यान दे देना है पहले ही, इन सब करने से पहले आपको एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए ताकि आपको पता चले, बिकॉज आप खुद कर रहे हैं आपको इतना नहीं पता होता। तो जो था कम से कम वैसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ अगर ये तार उल्टे पुल्टे लग गए तो शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग सकती है। सो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है और फोटो तो आपने कर लिया, मतलब अगर आपने करने से पहले फ़ोटो नहीं खींचा है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इलेक्ट्रिशियन को फिर भी बुलाएं, बिकॉज ये आपके फैमिली के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने पहले ही फ़ोटो खींच कर नहीं ध्यान दिया कि हाँ कौन सा क्या और ये क्रॉस हो गए तो सीधे वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वही रूल है कि पहले करके उसको चेंज कर लीजिए फिर दूसरा खोलिए, फिर यानी कि सारा ही पहले खोल लिया और उसके बाद फिर आपने किया तो वो एक प्रॉब्लम है, वो मत कीजिएगा, उसमें गलती के चांसेस हैं।
हो सकता है पर गलती के चांसेस उसमें हो सकते हैं, इसलिए इसको अवॉइड कीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा। देखिए जरा सा यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये काला सा पड़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको टेप लगाना पड़ेगा कि कहीं पे फ्यूचर में भी वो ना हो। हाँ जरा सा स्टील कीजिए कर चुके। सो गाइस हमको वीडियो रोकना पड़ा था बिकॉज ये वाला जो स्लॉट था इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, इन दोनों स्लॉट्स ने, अल्टीमेटली हमको इसे तोड़ना पड़ा। एक बार मेरे साथ और भी ये हो चुका है, जब जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने बोला था कि नहीं ये नहीं पॉसिबल है और पूरा का पूरा बोर्ड तोड़ना पड़ेगा, उसने पूरा बोर्ड तोड़ दिया था और बोर्ड तोड़ने के बाद फिर नया बोर्ड लगाया था, तो उसने और उसमें खर्चा बता दिया था। पर देन हमको इसको काटने के लिए हमने बहुत कोशिश करी, हम इसको हैक्सा ब्लेड कहते हैं आप लोगों को पता होगा, सो इस हैक्सा ब्लेड के थ्रू हमने इसको काटने की कोशिश करी, नहीं हुआ। फिर जब वो इस तरीके से हल्का सा, बिकॉज तीन साइड दो साइड खुल चुका था, फिर जो हमको हल्का सा यहाँ पे गैप मिला था उसमें गैप में हमने स्क्रू ड्राइवर को घुसाया था और घुसा के हल्के से, बहुत ज़ोर से करते तो पूरा बॉडी टूट जाता, हमने हल्के से उतना प्रेशर दिया तो ये अचानक से यहाँ पे, बिकॉज हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हैक्सो का निशान, हमने इसको पहले हैक्सो से हल्का सा स्लॉट बना दिया था क्योंकि उसी जगह से वो कट गया, और जब वो टूट गया फिर जो बाकी का जो वो प्लास्टिक था उसको हमने विद द हेल्प ऑफ आपके प्लायर का ये अटैचमेंट जो होता है, ये वाला जो शार्प वाला होता है, इससे पकड़ के दबा के ज़ोर से दबा दिया तो पूरा का पूरा मेटल वाला पोर्शन जो भी स्क्रू था वो कट के निकाल दिया। सो इस तरीके से हमने अपने बोर्ड को बचाया एंड सो ये चीज़ था। और अब हम दूसरा लगाएंगे बिकॉज जब ये हो गया है सो हमें पता है कि हाँ एंकर इस तरीके से रहेगा, एंकर इस तरफ और दूसरा वाला सॉकेट इस तरफ, ओरिएंटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सो अगेन हमने एक सॉकेट भी खरीद लिया है एंकर का ही खरीदा था एंड अब हम इसको जैसे हमने उसको लगाया था वैसे इसको लगाएंगे। इस प्रोसीजर को करने के लिए हमको सारा का सारा वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वायर हमें खोलना पड़ा था लेकिन हमने उसकी मार्किंग कर रखी है, सो होपफुली हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो जो काम अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट में शायद से हो जाता उसी काम पे हमको हमें आधा घंटा तो लग ही गया आराम से। सो ठीक है, खुद करने में जरा जरा से प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालते जाएंगे तो अच्छा है ना। ये भी हमको एक फ़ायदा है कि फ्यूचर में भी कभी, बिकॉज मेन प्रॉब्लम होता है कि इनमें जंग लग जाता है तो सिंपली ला के, खैर हमेशा जब भी बोर्ड खोला जाता है हम बोलते हैं हम चेंज करेंगे और फिर वो चलता रहता है और जब तक वो कुछ ख़राब नहीं हो जाता तब तक हम यूज़ करते रहते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग चेंज कर लेते हैं टाइम पर, तो चेंज कर लेना चाहिए, दैट इज़ एन आइडियल थिंग, मैंने नहीं किया था, करना चाहिए। One friend, हाँ हो तुम, so here it is, across लगा रहे हैं आप कैसे भी लगा सकते हैं लेकिन across में मेरे को easy रहता है, कम से कम वो hold उसको hold कर लेता है। ये मॉड्यूलर नहीं है, ये नॉर्मल वाला है जो बोर्ड और स्विच का बॉक्स वो है, ये मॉड्यूलर नहीं है, नॉर्मल वाला है। सो नाउ हम इसको हम टाइट करेंगे, सिंपल इसी से टाइट हो जाएगा। सो भाई उंगली लगाओ, हल्का सा टाइट करो, एबल टू फील कि हाँ टाइट हो गया है।
टाइट हो गया, अब हमारा काम है उसी तरीके से अपने से जाएंगे, पहले पावर वाले को लगाने की कोशिश करेंगे एंड देन दूसरे को। सो पावर वाले को अंदर घुसाएंगे, इंश्योर करके टाइट रहे, बिकॉज अगर ये टाइट नहीं होगा तो फिर जैसे वो गर्म होगा उसमें स्पार्क आएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं। ये दूसरा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ले लेंगे, सपोर्ट लूज करेंगे फर्स्ट एंड कैन सी फ्रॉम हियर, ये पूरा पूरा जो होल्स हैं वो एकदम ईजिली आप उसको देख सकते हैं। दैट मीन्स ये देखिए ये वाला अंदर था, अभी इससे भी हम ईजिली देख सकते हैं, ये वाला होल भी क्लीन हो गया और ये भाई साहब होल इसके अंदर भी आप प्रॉपर कर सकते हैं। जितना इतना खुला है ये इतना ही भी इतना इसको भी खोलना पड़ेगा। तो आप ना बार बार उड़ा लिया, तो सो दैट वाज बेन 10 तत्व। सो ये गया और इसकी बारी, मीन्स कि हमने यहाँ पे टेप लगा रखा था और वहाँ पे कुछ अंदर अंदर आया होगा, तो उसके बाद से देखते हैं क्या सिचुएशन है कुछ, और मतलब कि ये इलेक्ट्रिशियन क्या क्या करे नहीं देखेगा। इसमें जा सके
इसको खोल दिया है, छील दिया है। डाल के देखते हैं कितना अंदर जाता है। तो इतना अंदर जा रहा है, वांट पूरा जाए। जरा से कट मार लेते हैं। इसी तरीके से मैंने उसको भी काटा था। हल्का सा प्रेशर दीजिए, to do is just tightly bandh kar dijiye. So here it is. Now this is important, checking ki switch off position mein, power dikha raha hai kya kisi mein? Nahi hai, nahi hai. As you can see kisi mein bhi tester mein power nahi hai, इसमें भी नहीं है। लेकिन जब मैं स्विच ऑन, इसमें पावर में सिर्फ पावर है। अब स्विच ऑन करूंगा, जब मैं स्विच ऑन किया, अब इसमें पावर आ गया, इसमें पावर आ गया और इसमें नहीं है, तो लीकेज करंट भी नहीं है। सो दैट प्रॉब्लम इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ जब बंद करेंगे, हमको ये इंश्योर करना है कि ये सारे के सारे ना वायर्स के कोई देख लीजिएगा कि यहाँ कहीं पर कोई जलने वलने का कुछ कहानी तो है नहीं, जलने वलने की प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर भी। एवरीथिंग शुड बी गुड। सो अभी तो ये ऑन पोजीशन में है, हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। और लगाने के बाद भी आप एक बार जो भी पावर अप्लायंसेस लगाएंगे तो उसके आसपास रहिएगा, जरा सा स्मेल सूंघने की कोशिश कीजिएगा या कुछ आवाज़, पार्किंग की आवाज़ सुनाई दे रही है तो इमीडिएटली उसको स्विच ऑफ करके अगेन उसको चेक करिएगा। इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन्हें पता होता है, हमें नहीं पता। सो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। बस अब फाइनली इसको और कुछ नहीं करना है, इसको हल्के से अंदर की तरह दबाना है, दबा के इसको जगह बना देनी है, देन इसको बंद कर देना है। सो मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करूँगा जब ये लग जाएगा, फिर आप। सो फाइनली यू कैन सी ये लग गया है। और अब चेक करते हैं कि हाउ इट्स वर्क, हाउ इट वर्क्स। Everything is okay? Mm-hmm. आवाज सुनने की कोशिश चल रहा है, पावर वगैरह आ रहा है। सो हियर इट इज, वॉशिंग मशीन का ही प्रॉब्लम था और बहुत परेशान किए इलेक्ट्रिशियंस ने, सो ये काम अपने आप कर लिया। सो लेट्स होप अब एक घंटे चलने के बाद अगर ये गर्म होए या कोई दिक्कत आए या कोई स्मेल निकले तो प्रॉब्लम है, वापस खोल के वापस देखेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, तो इट्स द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मेन आपने भी नोटिस किया होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या आया था हमको, कि जब हमको प्रॉब्लम आया था उसके अंदर लीकेज करंट शो कर रहा था, जहाँ पे स्विच ऑन ऑफ पोजीशन में भी दूसरी जगह मैंने जब दिखाया था कि हाँ वहाँ पे देखिए लाइट आ रही है, तो वो प्रॉब्लम नोटिस करी हमने और वो स्विच का प्रॉब्लम हो गया था इसका मतलब। एंड ओके अब ये चल रहा है एंड आई होप कि ये चलता रहेगा। ओके तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लंबा बन गया बट देन ये काम भी यार जिस नहीं आता था तो फिर करना पड़ा।